चालू कर ली चालू कर नहीं लगाया क्या चल रहा वीडियो आपका यहाँ पर देखिए एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर सांस्कृतिक मंडल नागपुर और यहाँ पर देखिए सहयोग रेलवे की तरफ से यहाँ पर सहयोग यहाँ पर है कितनी ट्रेनें कहाँ कहाँ आ जा रही है सबका समय सारणी दिया गया है कोई भी यहाँ पर आने वाले को कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर कोई परेशानी ना हो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग राज्य से जो भी ट्रेनें आ जा रही हैं सबका यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं ये आपका ये देखिए और ये देखिए ट्रेन का यहाँ पर समय सारणी दिया गया है कौन सी ट्रेनें कहाँ कहाँ आएंगी जाएंगी आने जाने वाले बाहर से आने जाने वालों के लिए यहाँ पर भी सुविधा बनाई गई है रेलवे की तरफ से ये बहुत अच्छा है कि किसी को अगर कहीं जानकारी लेना हो तो यहाँ पर भी आकर के देख सकता है समय सारणी के अनुसार अपनी यात्रा जा सकता है वापस यहाँ पर देखिए सहयोग भी लगाया गया है यहाँ पर ये है आपका यहाँ पर इम्प्लाई देखिए यहाँ पर ये आपका हम चेक यहाँ पर देखिए निःशुल्क यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए डॉक्टर अपना चेकअप कर रही हैं यहाँ पर कोई समस्या हो कोई परेशानी हो वो भी आप दिखा सकते हैं और यहाँ पर देखिए बनाया गया है यहाँ पर निःशुल्क वितरण किया जा रहा दवा भी है यहाँ पर अपना चेकअप कराइए यहाँ पर देखिए ये भी है ये देखिए यहाँ पर भी स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ कई स्टॉलें लगाए गए हैं ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से यहाँ पर देखिए एक नहीं तमाम स्टॉलें यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा है और यहाँ पर हर लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो भी है कोई परेशानी नहीं है यहाँ बहुत अच्छा है और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके एक बहुत ही इतिहास रचा था और उस दिन यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लोग अभिवादन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर देखिए अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं तमाम धर्म अनुयायी जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं भगवान लाल उम्र 50 साल भगवान लाल उम्र 50 साल प्राणा देखिए यहाँ पर देवरी यहाँ पर देखिए इस वक्त यहाँ पर ग्वालियर आप जहाँ कहीं भी है जल्द से जल्द सहयोग कार्यालय संपर्क कीजिए आपके शादी का मोहर भी का गेट है भगवान लाल ग्वालियर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त यहाँ पर दीक्षा भूमि का गेट है प्रवेश द्वार है और यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है इस लाइन के उससे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एक तरफ से देखिए बहुत बड़ी लाइनें हैं यहाँ पर देखिए ये लाइनें एकाच ठिकाणी थांबून राहू नका कोविंदमध्ये चालत राहा पुढे पुढे चालत राहा कुंभाच्या आतमध्ये दर्शनासाठी जी रांग लागलेली आहे त्या रांगेत आतमध्येच कुणी घुसण्याचा प्रयत्न करू नका तुम्ही नेहमी रांगेत कुंभाच्या आतमध्ये जाताना आने वालों के लिए बनाई गई है और एक लाइन है इधर देखिए इस तरफ से जा रहे हैं कम से कम यहाँ से 150-200 मीटर की लंबी लाइन है और भी लंबी लाइन है ये देखिए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर बाबा साहब की अस्थि भी रखी हुई है और ये लंबी लाइन है पता नहीं कितनी दूर तक है ये हम आपको दिखा रहे हैं इस लाइन को देखिए आप हमारे चैनल पर भी ये आज आपका 5 अक्टूबर 2022 है और आज भी फिर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर नवा क्रांति लाए थे धर्म परिवर्तन किए 6 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किए थे हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से इस वक्त यहाँ पर और यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और ये देखिए आपको यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त और आगे भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं ये अंदर की ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखिए ये आपका यही है दीक्षा भूमि यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग लाइन से जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए लोग अंदर गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये दीक्षा भूमि गेट से प्रवेश कर रहे हैं दीक्षा भूमि जाने के लिए यहाँ पर
लोग गेट के द्वारा यहाँ पर धीरे धीरे आकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफी लोग आ रहे हैं। क्या मैडम बोलेंगे, ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर, और यहाँ पर जय भीम जय भीम जय भीम। यहाँ पर देखिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। दर्शनासाठी आलेल्या अनुयायांनी रांगेत मध्ये घुसायचं नाही।